बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप सब दोस्तों का क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि मेरे प्यारे दोस्त सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद जाहिद और आप देख रहे हैं वाओ इन्वेंशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बहुत सी इंफॉर्मेटिव वीडियो की तरह आज भी आपके लिए बहुत अहम वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। माइक्रोवेव ओवन, जो कि हर घर की ज़रूरत है और तकरीबन हर घर में मौजूद है। अक्सर माइक्रोवेव ओवन में एक फॉल्ट आता है कि माइक्रोवेव ओवन मुकम्मल ऑन होता है और मुकम्मल अपना फंक्शन सही काम कर रहा है, लेकिन माइक्रोवेव ओवन के अंदर रखी हुई चीज़ गर्म नहीं होती। तो दोस्तों, आपको कम खर्च में और कम वक्त में ये फॉल्ट दुरुस्त करके दिखाऊंगा। अगर आप यही फॉल्ट लेकर किसी दुकान में जाएंगे तो दुकानदार एक भारी रकम लेकर आपको सही करके देगा। तो दोस्तों, दुरुस्त करने से पहले आपको तजुर्बा करके दिखाता हूँ। पानी एक गिलास में माइक्रोवेव ओवन में रख कर ऑन करता हूँ। यह आप देख सकते हैं, माइक्रोवेव ओवन ऑन हो गया है और अपना फंक्शन शुरू कर दिया है। दोस्तों, माइक्रोवेव ओवन को ठीक करना बहुत ही आसान है। आपको किसी भी दुकान वाले के पास ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ मेरी बातों पर अमल करके 1500 से 2000 तक अपनी रकम बचा सकते हैं। मैंने तकरीबन 30 सेकंड टाइम दिया था, लेकिन पानी बिल्कुल गर्म नहीं हुआ। तो दोस्तों, आए आपको इसके सर्किट के बारे में बताता हूँ। मैं सिर्फ फॉल्ट के रिलेटेड ही सर्किट का बताऊँगा। अगर तफसील से तमाम सर्किट बताने लगूँ तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। सबसे पहले हम इसका फ्यूज चेक करेंगे। फ्यूज़ इसका बिल्कुल ठीक है। याद रखें, इस फ्यूज़ के अलावा एक फ्यूज़ मेन इनपुट पर लगा होता है, वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बाकी सर्किट हमारा बिल्कुल ठीक चल रहा है। अगर उस सर्किट का मसला होता तो इसने बिल्कुल ऑन नहीं होना था। इसके बाद मैग्नेट्रॉन को चेक करेंगे। मैग्नेट्रॉन के टर्मिनल को मीटर की मदद से चेक करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये टर्मिनल बॉडी के साथ शॉर्ट है, जबकि इसको यहाँ पर शॉर्ट नहीं होना चाहिए। बस यही हमारा फॉल्ट है। अब हम सिर्फ इस टर्मिनल को चेंज करेंगे। मैग्नेट्रॉन को मुकम्मल बाहर निकाल लेंगे ताकि टर्मिनल चेंज करने में आसानी हो। आपको ये टर्मिनल माइक्रोवेव ओवन रिपेयर करने वाली दुकान से आसानी मिल जाएगा। मैंने ये टर्मिनल 80 रुपये का लिया है। अगर आप ये माइक्रोवेव ओवन दुकान से सही कराएंगे तो वो ये मैग्नेट्रॉन मुकम्मल चेंज करेंगे और अपनी मजदूरी ऐड करके तकरीबन 2000 से ज़्यादा पैसे आपसे वसूल कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको 80 रुपये में ठीक करने का तरीका बता दिया है।
तो दोस्तों मेरे पास ये एक ख़राब और दूसरा सही टर्मिनल मौजूद है। तो आप देख सकते हैं ख़राब टर्मिनल शार्ट शो कर रहा है। जबकि दूसरा टर्मिनल बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों टर्मिनल को अपनी जगह पर एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट करने के बाद दोनों पॉइंट को सोल्ड करते हैं। दोनों पॉइंट को सोल्ड करते हैं। सोल्डरिंग के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन सोल्डरिंग हो जाती है। मैग्नेट्रॉन के कनेक्शन हो गए हैं। अब हमारा माइक्रोवेव ओवन बिल्कुल ठीक हो गया है। अब मैं दोबारा पानी वाला गिलास पानी को गर्म करने के लिए रखता हूँ। दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसी लगी? अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड किसी किस्म का कोई सवाल पूछना हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। जो मेरे नए दोस्त हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और तमाम दोस्त अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें ताकि उनके इल्म में भी इजाफा हो। तो दोस्तों पानी चेक करते हैं। आपको पानी के धुएं से पता चल गया होगा कि पानी कितना गर्म हो गया है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।